नमस्कार दोस्तों, रीटेल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग कोई प्रॉब्लम को लेकर बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे आईचर गाड़ी का एक जो टेक्नोलॉजी है एम्बुस्टर टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी आईचर ने बनाया है ये खास करके माइलेज देने के लिए और माइलेज बढ़ाने के लिए देता है, तो सच में ये माइलेज देता है कि नहीं देता है उसी के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ गाड़ी में जो माइलेज टेस्ट होता है, माइलेज चेक होता है, वो चेक करने का सही तरीका है। अगर वो सही ढंग से चेक नहीं करोगे तो आपका माइलेज हर ट्रिप में कितना दे रहा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो गाड़ी में माइलेज दिखाता है ट्रिप का किलोमीटर का हिसाब से। अगर मान के चलो कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, मान के चलो 1000 किलोमीटर हो गया, तो वो किलोमीटर ए और बी, ट्रिप ए होता है और बी होता है, दोनों में 1000 आ जाएगा। जब वो दिल्ली से कलकत्ता वापस आएगा तो कोई एक ट्रिप को जीरो कर देना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ए ट्रिप में मेरा कितना माइलेज दे रहा और बी ट्रिप में कितना माइलेज दे रहा है। उसको अगर रिसेट नहीं करोगे तो वो आपका टोटल किलोमीटर का ऊपर वो माइलेज देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता नहीं चलेगा कि हर ट्रिप में मेरे को कितना माइलेज दे रहा, तो इसके लिए ट्रिप को रिसेट करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। उससे पहले चेक कहाँ से आता है, कौन सा बटन दबा के, ये बायां जो मूड बटन है उसका दाहिना में जो बटन है, इस बटन दबा के आप माइलेज चेक कर सकते हैं। ये देखिए 9.6, और बायां साइड में लिखा हो एवरेज बी, एवरेज बी मतलब ट्रिप बी का ये माइलेज शो हो रहा। फिर एक बार दबाएगा तो देखिए आ गया, ट्रिप बी का किलोमीटर है, और एक बार दबाएगा तो वो ट्रिप ए का किलोमीटर, दोनों का किलोमीटर सेम है। तो यार ये आपका हो गया ओडोमीटर, टोटल मतलब कितना किलोमीटर गाड़ी चला है। तो इस सिलसिले में आपको हर कोई एक ट्रिप को जीरो कर देने से आपको पता चलेगा कि हर ट्रिप में आपको कितना माइलेज दे रहा, ठीक है ना। तो मूड बटन का दायना में जो माइनस बटन है उसी बटन दबा के आप माइलेज चेक कर सकते हैं, मतलब ट्रिप में कितना आपका माइलेज दे रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये माइलेज को और ये ट्रिप को कैसे रिसेट करते हैं। तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, इसमें बायां में जो मूड बटन है उस मूड बटन में जाके आपका मेन मेनू का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए हम मूड बटन दबा दिया, अभी मेन मेनू का ऑप्शन आ गया। इसमें देख सकते हैं दो नंबर रिसेट ऑप्शन है, इसी ऑप्शन से आपको ट्रिप को जीरो करना पड़ता है, इसी से जीरो होता है। तो रिसेट दो नंबर ऑप्शन लाने के लिए दायना में जो एक वो प्लस बटन लिखा है उस बटन दबाएगा तो नीचे ऑप्शन में वो आ जाएगा। फिर एंटर मारेगा तो एंटर मतलब वहाँ पर एक गो बायां में एक गो सेट बटन है, सेट मारेगा तो वहाँ पर एक गो पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड है 4321। तो 4321 लाने के लिए वही प्लस बटन और सेट बटन दबा के वो आपका पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, 4321। दो बार प्लस बटन दबाएगा तो दो आएगा, तीन बार दबाएगा तो तीन, ऐसे करके ये पासवर्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए इसका रिसेट ऑप्शन आ गया, ट्रिप ए और ट्रिप बी का। तो ट्रिप ए का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद उस सेट बटन 2 सेकंड दबाने से ये रिसेट हो जाता है, ठीक है। और ट्रिप बी ऑप्शन में लाने के बाद अगर वो सेट बटन 2 सेकंड दबा कर रखिएगा तो वो रिसेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप रिसेट करना चाहिए, ऐसे करके रिसेट करने से आपका ट्रिप का जो किलोमीटर वो रिसेट हो जाएगा। तो जब कहीं से भी दूसरा ट्रिप गाड़ी लेगा तब वहाँ से उसका किलोमीटर चालू हो जाएगा और उसका किलोमीटर भी मतलब माइलेज कितना दे रहा वो भी शो हो जाएगा। इसीलिए ट्रिप को जीरो करना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स अभी जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको माइलेज चेक करने से पता चलेगा कि मेरा हर ट्रिप में कितना माइलेज दे रहा। तो यही सिस्टम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और चलिए अब बात करते हैं एम्बुस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस टेक्नोलॉजी में दो को बटन दिया, इको प्लस और इको। इको प्लस कब दबाना चाहिए, जब आपका गाड़ी खाली रहेगा और 50% से कम पेलोड होगा। पेलोड मतलब गाड़ी में जो लोड एक्चुअल लोड होता है उसका 50% से कम या खाली रहेगा तब इको प्लस बटन दबाना पड़ेगा।
और जब आपका 50 से 70% पेलोड होगा गाड़ी में, तब आपको इको बटन दबा के चलना होगा। ये इसका मेन बेसिक रूल्स है, ठीक है। तो आप चलते हैं कि सही में ये बटन दबाने से माइलेज देता है या नहीं देता है। तो हम बोलते हैं कि हाँ, सही में ये माइलेज देता है, लेकिन उसका भी कुछ प्री कंडीशन है। कैसे? कि इको प्लस और इको, ये बटन तब सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जब आपका गाड़ी प्लेन रोड में, हाई रोड में जब चलेगा, तब सबसे ज़्यादा असरदार होता है। अगर इस बटन दबा के आप खाली चाहे 50% या 70% लोड लेके चलेगा, इस बटन दबा के, कोई भी एक बटन दबा के, अगर वो सिंगल रोड में चलेगा जहाँ पर आपका बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है और टॉप गाड़ी को नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में आपको लेकिन माइलेज नहीं मिलेगा। और इसके साथ एक और बात कि हाँ, ये बटन दबाने से को माइलेज मिलेगा और नहीं दबाने से माइलेज नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। बिना बटन दबाने से भी माइलेज मिलेगा, और दबा के और बिना बटन दबाने से का जो फर्क होता है वो पॉइंट का मामला है। अगर मान के चलो कोई गाड़ी 5.6 बटन दबा के दे रहा, अगर बिना बटन दबा के तो वो 5.5 आ जाएगा, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज में होता है HD गाड़ी में, बड़ा गाड़ी में, इसमें पावर और इको बटन एक ही स्विच में है। ड्राइवर लोग सोचते हैं इको बटन दबाने से मेरा पावर मोड हो गया। कभी कभी कोई ड्राइवर ऐसा भी करता है कि जब चढ़ाई में चढ़ते हैं तब ये बटन दबा देते हैं, क्योंकि हम सुना है कि टाटा गाड़ी में ऐसा कोई बटन है कि पावर बटन है, वो देने से खींचता है ज़्यादा गाड़ी। इसी के चक्कर में इन लोग क्या करते हैं कि पावर और इको बटन को दबा देने से इन लोग को सोचता है कि पावर मोड में आ गया, लेकिन ये गलत है। ये दबा देने से, पावर मोड दबा देने से ये इको मोड में आ गया, मतलब 50 से 70% पे लोड जब होगा तब इसको ये बटन दबाना चाहिए, और जब आपका फुल लोड रहेगा, 100% पे लोड रहेगा या ओवर लोड रहेगा, तब मतलब कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। इसे AC बंद करके रखिए, बंद करके रखिएगा मतलब ये आपका फुल पावर मोड में हो गया। फिर दबा देने से आपका लेकिन वो इको प्लस, मतलब इको ऑप्शन आ गया, मतलब 50 से 70% पे लोड वाला ऑप्शन आ गया, बंद कर देगा तो पावर मोड में आ गया, ठीक है ना। तो यही है, और इको प्लस जैसा बोला लास्ट में सेम ही है जब खाली गाड़ी और 50 से कम लोड होगा। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। अगर हम कुछ जगह में अगर गलत बोल रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।